बिहार टीवी में आपका स्वागत। मैं आपके साथ चंदन यादव। बिहार में इंदौर नगर परिषद चुनाव की चर्चा है। प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना शुरू कर चुकी हैं। वहीं लखीसराय जिले के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं रोहित कुमार। रोहित कुमार ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में कहा, वार्ड नंबर 2 में अब तक कई लोग वार्ड पार्षद बनकर सेवा दिए हैं, लेकिन वार्ड नंबर 2 में जो विकास का कार्य होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ। न सड़क का निर्माण हुआ, न नली गली का निर्माण हुआ। क्षेत्र में सिर्फ भ्रष्टाचार है, कोई भी योजनाएं धरातल पर नहीं है। न गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, वार्ड नंबर 2 के लोगों को सिर्फ प्रताड़ित किया गया। रोहित कुमार ने बताया, वार्ड नंबर 2 के लोगों को प्रताड़ित देखकर जनता के कहने पर मैं इस बार वार्ड पार्षद के चुनाव में आया हूँ, जिसका प्रतिनिधित्व खुद मैं करूँगा। उन्होंने कहा, अगर वार्ड नंबर 2 की जनता मुझे अपना समर्थन देकर वार्ड नंबर 2 का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र में बेहद भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम करूंगा। सरकार द्वारा सारी योजनाओं को वार्ड नंबर 2 के धरातल पर उतारूंगा। वार्ड में सड़क का निर्माण, गली नली का निर्माण, गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाएगा। आपको बता दें, रोहित कुमार लगातार अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करते दिखाई देते हैं। जब भी लोगों को जरूरत होती है, रोहित कुमार हमेशा लोगों के साथ होती हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी गरीब लोगों को राशन दिए, क्षेत्र में जगह जगह सैनिटाइजर का कार्य किया। रोहित कुमार ने अपने क्षेत्र की जनता से अपील की, इस बार के वार्ड पार्षद के चुनाव में अपना समर्थन देकर मुझे एक बार वार्ड नंबर 2 का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। मैं अपने वादे पर खड़ा उतरूंगा और वार्ड का बेहतर विकास करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी, मैं हूं राजा सिंह। इन दिनों बिहार में नगर पंचायत के चुनाव की चर्चा की शुरुआत हो चुका है। ऐसे में जो भी प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। आज हम पहुंच चुके हैं लखीसराय जिला, यहां से लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से वार्ड नंबर 2 आ जाए हुए हैं। यहां से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के रूप में है रोहित कुमार जी, इनके पास आए हुए हैं और इनसे जानते हैं कि इनका इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। रोहित जी, पहले तो आदर्श भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? ये पिछले 10 साल से हम समाज का सेवा करते आए हैं और हम ये चाहते हैं कि आगे भी करें। और इस बार चुनाव वार्ड पार्षद बन के कुछ अलग करें, अलग तरीके से समाज का विकास करें। अगर यहाँ की जनता आपको अगर वार्ड पार्षद अगर बनाती है 2 नंबर के वार्ड की जनता, तो कौन कौन से मतलब प्रमुखता के साथ काम करेंगे? क्या लग रहा है कि जो काम अभी विगत 15 वर्षों से में नहीं हुआ है और आपको आने के बाद वो काम मतलब करना चाहिए पहले? देखिए, जो पिछले 15 साल से जो हुआ है कार्य, लगभग अभी भी बहुत सारा बिछड़ा है, टोला है, जो जहाँ की नहीं हुआ है, जैसे नली गली और जो पानी का है जल योजना, यही सब थोड़ा सा है कि अभी भी पिछड़ा है टोला, जो ऐसा है कि नहीं हुआ है। ऐसे में आप युवा भी हैं और युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं, किस तरह का उनको मैसेज देना चाह रहे हैं युवाओं को? फिलहाल की खबरों को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, और साथ ही यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, आदर्श भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।